चांद, हिंद और दाग पृथ्वी तक से दिखाई देते हैं, और उस पर बने बहुत सारे क्रेटर क्रेटर्स की वजह से बने हैं। अपने 4.5 अरब साल के इतिहास में गिरे उनका पिंड, क्षुद्रग्रह, एस्टेरॉइड्स आदि ने यहाँ पर इन क्रेटरों को बनाया है। नए अध्ययन में बताया गया है कि चंद्रमा की सतह पर आज जितने क्रेटर दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा क्षुद्रग्रह यहाँ पर गिर चुके हैं। इस शोध का कहना है कि कई पुरातन और शुरुआती टकराव के निशान चंद्रमा की सतह पर लगभग दिखाई ही नहीं देते हैं, क्योंकि ये टकराव नम सतह पर हुए थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि चंद्रमा के युवा काल में पूर्व उपग्रह पर मैग्मा का सागर फैला हुआ था, जो ठंडा होकर ठोस बन गया, जबकि चंद्रमा की सतह पर तो क्षुद्रग्रह या उल्कापात तब भी गिर रहे थे जब मैग्मा ठंडा नहीं हुआ था। इसी वजह से सभी टकराव से क्रेटर बनने की संभावना नहीं थी। सॉफ्ट लैंडिंग के कारण टकरावों के कोई निशान नहीं बन सके। यही वजह है कि जैसा चंद्रमा दिखाई देता है उससे मेल नहीं खाता जो करीब 1 अरब साल पहले के आसपास हुआ करता था। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित इस अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता और ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी की ग्रह वैज्ञानिक कैटरीना मिल्चकोविक बताती है, ये विशाल टकराव क्रेटर प्राय टकराव बेसिन बताए जाते हैं और 4 अरब साल पहले चंद्रमा के मैग्मा महासागर के ठोस बनने की प्रक्रिया से बने थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये क्रेटर की अलग ही तरह के दिखाई देते जो चंद्रमा के भूगर्भीय इतिहास में बाद में बने। चंद्रमा पर वैश्विक मैग्मा महासागर का विचार नया नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं ने मैग्मा और क्षुद्रग्रह टकराव के इतिहास का गहराई से अध्ययन किया और उनकी समय रेखा बनाने का प्रयास किया, जिसमें जो हम जानते हैं उसका समावेश करने का भी प्रयास किया। चंद्रमा पर उनके निर्माण के बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में सोलर सिस्टम मॉडलिंग से लेकर अपोलो अभियान में लाए गए नमूनों की चट्टानों पर एविडेंस, इंपैक्ट शॉक्स तक से बहुत सारे संकेत मिलते हैं। कई अध्ययन बताते हैं कि मैग्मा की उबलती झीले चंद्रमा पर करीब 20 करोड़ साल पहले तक रही होंगी, और यह शोध दर्शाता है कि कैसे यह धारणा उन तरीकों के साथ मेल खाती है जब शुरुआत में विशाल क्षुद्रग्रह के टकराव हुए होंगे। अलग अलग अध्ययनों में चंद्रमा के मैग्मा के महासागरों के ठोस बनने का समय अलग है, लेकिन यह इतिहास में इतने ज्यादा समय तक भी हो सकता है जब सौरमंडल के इतिहास में शुरुआती टकराव हुए थे। मिल्चकोविक का कहना है कि उम्र के साथ चंद्रमा की सतह ठंडी हुई और वह कठोर होती गई और टकराव के निशान बनते गए जो रिमोट सेंसिंग से भी पहचानने के योग्य हो गए। ये बहुत अहम है, जिससे ये निश्चित करने में मदद मिलती है कि सौरमंडल कैसे बना जैसा वह है, और वहाँ से ये भी सीखा जा सकता है कि ग्रह वास्तव में कैसे बने और वे किसी अवस्था में कब तक रह सकते हैं। इस मामले में कई बातें हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है। मसलन चंद्रमा की जानकारी हासिल करते समय पूर्व के अंकलों में कितने क्षुद्रग्रह की टकराव छूट गए होंगे ये पता नहीं चल सकता है, लेकिन ये जानकारी उन मॉडलों को बेहतर बनाने में मददगार होगी जो ये बताते हैं कि अरबों साल पहले क्या हुआ था। इतना ही नहीं, चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही पास है, वहाँ जो भी हुआ था उसका असर पृथ्वी पर भी हुआ होगा, जिससे हमें इस बारे में बेहतर समझ मिल सकेगी कि हमारा ग्रह और उसमें जीवन कैसे अस्तित्व में आया। मिल्चकोविक ने कहा, इन पड़ताल की जानकारी भविष्य के उन शोधों में मददगार होगी जो टकराव के पृथ्वी पर हुए प्रभावों पर और उसके उद्भव को समझने के लिए होंगे। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके आगे वाले बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।